यहाँ पर नथिंग फोन 2 के लिए लेटेस्ट जीकेएम एजीसी 9.1 के साथ जो है एक्सएमएल फाइल को हमने यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया है। एंड इस जीकेएम के साथ एक्सएमएल फाइल के साथ आप जो है काफी बढ़िया नथिंग फोन 2 के साथ जो है फोटोज को क्लिक कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास नथिंग फोन 2 डिवाइस है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम एंड एक्सएमएल दोनों फाइल का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप दोनों फाइल को ही डाउनलोड करना होगा आपके डिवाइस के लिए। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं पर यूजर इंटरफेस के बारे में, तो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, नाइट साइट, पैनोरामा, फोटो एक्सपर मोड को ऐड किया गया है। यहाँ पर प्रो मोड का ऑप्शन है, एक्सपोजर, वाइड बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड, आईएसओ, ये सभी को आप जो है मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्वाइप अप करने के बाद जो है क्विक सेटिंग्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर HDR एनहांस मोड, नाइट साइट मोड का ऑप्शन है, प्रो मोड के साथ जो है पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है, एंड लेंस सिलेक्शन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑटो एंड मैनुअल मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड लेंस काम कर जाएगा, प्लस मेन लेंस का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर अलग अलग मोड है, जैसे कि यहाँ पर HDR नेट का ऑप्शन है, HDR नेट के साथ आप जो है इंस्टेंट HDR फोटो क्लिक कर पाओगे, प्लस यहाँ पर लाइका मोड का ऑप्शन है, लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली पर कस्टम वाटरमार्क को यूज कर सकते हो। ये जो बटन है इस बटन को एनेबल करके आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैक्स डिटेल्स में सेट रहेगा, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्लिक करने के लिए ये ऑप्शन है, ऑथेंटिक फोटो क्लिक करने के लिए ऑप्शन है, LDR मोड अगर आप जो है नाइट फोटोग्राफी करना चाहते हो, लो डायनेमिक रेंज के साथ फोटो क्लिक करना चाहते हो, डार्क फोटो चाहते हो, तो यहाँ पर LDR मोड को यूज कर सकते हो। ऑथेंटिक प्लस का ऑप्शन है, 50 मेगापिक्सल और अपस्केलिंग फोटो को अगर आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप वाइब्रेंट फोटो क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पर वाइब्रेंट का ऑप्शन है, लो लाइट फोटोग्राफी करने के लिए लो लाइट का ऑप्शन है, हैसल ब्लैक टोन का जो फीचर से ऐड किया गया है, लाइका वाइब्रेंट टोन का ऑप्शन है, लाइका ऑथेंटिक टोन का ऑप्शन है, इस तरह से अलग अलग मोड को ऐड किया गया है, अलग अलग फीचर्स को ऐड किया गया है, जिस ऑप्शन को यूज करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं जीकेएम एजीसी 9.1 के साथ जो है एक्सएमएल फाइल को किस तरह से इंपोर्ट करना होगा। तो सिंपली सबसे पहले गूगल कैमरा को एंड एक्सएमएल फाइल दोनों फाइल को डाउनलोड करो, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जीकेएम को डाउनलोड करने के बाद पहली दफा जब आप ओपन करोगे, इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली यहाँ पर स्वाइप अप करके मोर सेटिंग्स में टैप करना होगा। मोर सेटिंग्स में टैप करने के बाद ए वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। इस ऑप्शन में टैप करने के बाद यहाँ पर सेव एक्सएमएल का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा, तो यहाँ पर सेव एक्सएमएल में टैप करके यहाँ पर ईएस में टैप करना होगा। देन आपको सिंपली पर फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके एक्सएमएल फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। थ्री डॉट में टैप करके यहाँ पर कॉपी और मूव कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर कॉपी में टैप करके इंटरनल स्टोरेज में जाके यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में जाके एजीसी 9.1 करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके यहाँ पर ये जो फोल्डर है इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। तो ये जो एक्सएमएल फाइल है इसे सिलेक्ट करके डाउनलोड फोल्डर में जाके एजीसी 9.1 में जाके उसके बाद इस फोल्डर में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद गूगल कैमरा को फिर से यहाँ पर रीस्टार्ट करना होगा। जीकेएम को रीस्टार्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। इस ऑप्शन में टैप करके ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। इस ऑप्शन में टैप करने के बाद जो एक्सएमएल है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट का जो ऑप्शन है इसमें टैप करते ही आपके डिवाइस के ऊपर एक्सएमएल जो है पर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बाय द वे इस एक्सएमएल फाइल के साथ जो कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि फोटो के ऊपर जो नॉइस है
उसे यहाँ पर जो है रिड्यूस किया गया है, प्लस जो डिटेल्स है उसे इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर हैसलब्लेड एंड लाइका के साथ जो है यहाँ पर डिटेल्स के साथ एंड नॉइस को रिड्यूस किया गया है, प्लस यहाँ पर लाइका ऑथेंटिक टोन का जो फीचर से ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ। और भी कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है इसके साथ जो आपको यहाँ पर कूलर टोन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ फोटोज के बारे में। हम जो है आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो को क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नथिंग फोन 2 नहीं है, ये जो डिवाइस है पोको F5 डिवाइस है, इसके साथ ही हम फोटो क्लिक करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह से देखने को मिलेगा। डेफिनेटली अगर आपके पास नथिंग फोन 2 है तो आपको और भी ज्यादा अच्छा फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि नथिंग फोन 2 के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। एनीवे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइका ऑथेंटिक टोन के साथ। एंड यहाँ पर जो लाइका मोड है इसे हमने डिसेबल कर दिया है, कस्टम वाटरमार्क को भी डिसेबल करते हैं एंड फोटो क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ पर किस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है HDR प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर लाइका वाइब्रेंट का जो ऑप्शन है उसे भी हमने इनेबल किया है। एंड यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास जो है पोको F5 डिवाइस के अलावा अगर नथिंग फोन 2 डिवाइस है तो आपको और भी ज्यादा अच्छा फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। देख सकते हो पोको F5 डिवाइस के साथ भी ये जो XML है यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड 2X के साथ भी हम यहाँ पर फोटो को क्लिक कर रहे हैं। एनीवे, लाइका वाइब्रेंट मोड के साथ जो हैसल ब्लड टोन जो है उसे भी सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट करते हैं एंड HDR प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। HDR एनहांस मोड का जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, सभी फोटो के साथ जो है बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा, बढ़िया जो है पर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड यहां पर लो लाइट का ऑप्शन है, वाइब्रेंट मोड को भी ऐड किया गया है। वाइब्रेंट मोड के साथ भी आप फोटो को क्लिक कर सकते हो, तो ये जो ऑप्शन इस भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पर वाइब्रेंट मोड के साथ आपको जो है पर सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड यहां पर 1x 2x का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो क्लिक कर रहे हैं, प्लस जो LDR मोड है इसे भी ट्राई करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर LDR मोड के साथ आपको जो यहाँ पर डार्क फोटो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम जो है LDR मोड के साथ फोटो क्लिक कर रहे हैं, आपको सिनेमेटिक डार्क फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैक्सिमम डिटेल्स का जो ऑप्शन है हमने उसे सिलेक्ट किया है, उसके बाद फोटो क्लिक करते हैं। एंड मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक होता है इसलिए फोटो के ऊपर बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग मोड को ऐड किया गया है, इसे यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल लाइका वाइब्रेंट टोन जो है इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है एक्चुअली काफी यूजफुल है ना, आपको अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फोटो क्लिक करने के दौरान जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अलग अलग मोड को ऐड किया गया है, जो XML है सच में काफी बढ़िया है, इस जीकैम के साथ काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। एनीवे, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है फोटो सैंपल के बारे में। तो सबसे पहले हमने जो इस फोटो क्लिक किया है देख सकते हो, इस फोटो के साथ जो कुछ इस तरह से क्वालिटी देखने को मिलता है, फोटो के ऊपर डिटेल्स काफी बढ़िया है एंड डेफिनेटली यहाँ पर ब्राइट इमेज देखने को मिल जाएगा। सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर डबल टैप टू जूम करने के बाद भी जो है काफी बढ़िया क्वालिटी है। एंड यहाँ पर जो है सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट के ऊपर काफी बढ़िया बैलेंस देखने को मिलेगा, लाइट बैलेंस बढ़िया है, डायनेमिक रेंज भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने मल्टीपल फोटो किया है, सच में सभी फोटो के साथ जो है काफी बढ़िया वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है, मेन कैमरा अल्ट्रावाइड लेंस सभी के साथ जो है नॉइस को इम्प्रूव किया गया है, कलर शेडो हाईलाइट के साथ भी जो है इम्प्रूवमेंट है, डिटेल्स काफी बढ़िया है देख सकते हो। यहाँ पर डबल टैप टू जूम करने के बाद भी काफी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, डायनेमिक रेंज के साथ भी इम्प्रूवमेंट है, बेसिकली ऑप्टिमाइज बिल्ड है इस गूगल कैमरे के साथ। इस XML को आप डेफिनेटली नथिंग फोन 2 के ऊपर जो है एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कट जाएगा, बेटर कलर विथ बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा कम नॉइस के साथ। यहाँ पर LDR मोड काम कट जाएगा, परफॉर्मेंस के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, कोई भी ग्रीन टिन का जो इश्यू हमने नोटिस नहीं किया है। एस्ट्रो मोड काम कट जाएगा, नाइट साइड मोड काम कट जाएगा, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड सेल्फी भी काम करेगा, प्लस
OIS EIS का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। ओवरऑल आपको यहाँ पर एक्सलेंट फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगी इस जीकैम के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग जीकैम का जो वीडियो है उसे भी चेकआउट करके देखो।